काजल वर्मा, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ऑफ मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ नेल केयर. सो बिफोर डिस्कसिंग द प्रोसीजर, लेट्स सी व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट आर केप्ट इन द ट्रे. दिस इज अ क्लीन ट्रे. ओके, सो हम अब डिस्कस करेंगे कि एक नेल केयर प्रोसीजर करने के लिए ट्रे में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं. सो फर्स्ट है किडनी ट्रे. किडनी ट्रे, इसमें होल्ड करेंगे हम वेट वेस्ट को. सेकंड वन इज पेपर बैग, ये ड्राई वेस्ट को होल्ड करने के लिए है. सीजर ऑप्शनल रहेगा. अगर पेशेंट के नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो हम इसके हेल्प से हम उसको कट कर सकते हैं, उसके लिए है सीजर. नेल कटर, ये पेशेंट के नेल्स कट करने के लिए. नेल ब्रश, अगर पेशेंट के नेल्स बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं या गंदे हैं तो हम इससे उसको क्लीन कर सकते हैं. बाउल कंटेनिंग गॉस पीस का यूज़ ये है कि आप इसमें पेशेंट के नेल्स को होल्ड कर सकते हैं, कट नेल्स को होल्ड कर सकते हैं, और आपके पास गॉस पीस स्टैंड होना चाहिए पर्टिकुलर फिंगर्स के लिए. इसको पेशेंट के लैब में रखना है ताकि लिनन जो है वो भी सॉइल ना हो और पेशेंट का लैब वेट ना हो. ग्लव्स यूज्ड एज पीपीई फॉर नर्स फॉर प्रोटेक्टिंग हर हैंड. बॉडी लोशन और इमोलियंट्स, ये इसीलिए यूज़ करेंगे हम ताकि पेशेंट के नेल्स अगर नेल्स कट करने के बाद अगर उनके हैंड ड्राई हैं या अगर उसमें थोड़े बहुत क्रैक हैं तो उसके लिए हम इमोलियंट यूज़ कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज़ बाउल विथ ल्यूक वॉर्म वाटर. ये इसलिए क्योंकि इसमें हम पेशेंट के हैंड को डिप करके रखेंगे ताकि उनके जो नेल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए. सो आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने के बाद हम पेशेंट के साथ IPR मेंटेन करेंगे. ये हैंड वॉशिंग के पहले करना है. तो देखते हैं कि हम पेशेंट साथ IPR कैसे मेंटेन करते हैं. हेलो रीना जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम, मैं आपकी स्टाफ नर्स हूँ. और आपका अभी तकलीफ कैसी है? ठीक है. अब हम आपके में नेल केयर का प्रोसीजर करेंगे. ठीक है, IPR मेंटेन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा हैंड वॉशिंग का. तो हैंड वॉशिंग बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है सोशल हैंड वॉशिंग जो कि होता है 1 to 2 मिनट्स का. नेक्स्ट होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग जो कि होगा 3 to 5 मिनट्स का. और थर्ड रहेगा सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो कि रहता है 5 to 10 मिनट्स का. तो हम इस प्रोसीजर के लिए करेंगे मेडिकल हैंड वॉशिंग. सो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा टेकिंग द हैंड वॉशिंग सॉल्यूशन. सेकेंड स्टेप रहेगा टैप ऑन करने का. अब हैंड वॉशिंग प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है. पाम टू पाम फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप है बैक ऑफ द पाम, बिटवीन द फिंगर्स. उसके बाद है आपका फिंगर नकल्स. नेक्स्ट आपका आएगा रोलिंग दी थम्स. ये 5 टाइम्स करना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5. और जो कि यहाँ पे का आपका पूरा ये एरिया जो है वो क्लीन होना चाहिए. नेक्स्ट हैंड में भी सेम 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा एरिया क्लीन होना चाहिए. फिर आपका आएगा फिंगर टिप्स. फिंगर टिप्स के बाद लास्ट है हमारा आपको हैंड ऐसे ही रखना है. सो एक टिप है आप लोगों के लिए हैंड वॉशिंग के पहले जो आपको करना है, अगर आपके पास स्प्रे कवर नहीं है और अगर आपने किसी क्लोथ पीस से जो कि ग्रीन या वाइट कलर का होता है उससे अगर आपने ट्रे को क्लोज किया हुआ है या कवर किया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले मिडिल पोर्शन से उसको होल्ड करेंगे और अवे फ्रॉम द बॉडी उसको टर्न करेंगे. अब टर्न करने के बाद क्या करेंगे, हम पेशेंट के बेड के लेफ्ट साइड के कॉट पे इसको प्लेस कर देंगे. और इसमें हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उसका क्लोज एंड है वो आपके साइड होना चाहिए और जो उसका ओपन एंड है वो पेशेंट के साइड होना चाहिए. सो मूविंग ऑन टू आवर प्रोसीजर. हैंड वॉशिंग करने के बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको आपके हैंड्स ऐसे ही रखना है. उसके बाद आप ग्लव्स वेयर करेंगे. ग्ल
ग्लव्स वेयर करने के लिए एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हैंड वॉश करने से पहले आप ग्लव्स के पैकेट को ओपन करके ग्लव्स को ओपन करके जाएंगे। उसके बाद आपको ग्लव्स सबसे पहले आपके नॉन डोमिनेंट हैंड में पहनना है। तो मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड लेफ्ट हैंड है, तो मैं सबसे पहले ग्लव्स को लेफ्ट हैंड में पहनूंगी। ग्लव्स पहनते टाइम आपको आपके ओपन हैंड से ग्लव्स के आउटर पार्ट को टच नहीं करना है, तो इनर पार्ट को टच करते हुए आपको ग्लव्स को वेयर करना है। ये ग्लव्स को सॉइलिंग से प्रिवेंट करेगा। उसके बाद अगर आपने ग्लव्स पहन लिए तो आप नेक्स्ट ग्लव्स के इनर पार्ट को टच कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्लव्स है हमारा स्टेराइल है। आपने ग्लव्स पहन लिए, फाइनली वी आर मूविंग डाउन टू आवर प्रोसीजर। सो मूविंग ऑन टू आवर प्रोसीजर, हमने ऑलरेडी मैकिंटॉश और बाउल विथ ल्यूकवॉर्म वाटर प्लेस कर दिया है। बाउल विथ ल्यूकवॉर्म वाटर का यूज़ हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें पेशेंट जो है अपना हेड को डिप करेगा। अब हमारा पेशेंट भी रेडी है प्रोसीजर के लिए, मीन वाइल जब तक कि उन्होंने डिप करके रखा हुआ है अपने हैंड को, हम क्या करेंगे, ताल लेंगे और उनके लैप में प्लेस करेंगे। ये क्या करेगा, उनके लैप को और सेकेंड लिनन को सॉइल होने से प्रिवेंट करेगा, वेट होने से प्रिवेंट करेगा, और हमको टाइम भी मिल जाएगा ताकि पेशेंट के जो नेल्स है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब पेशेंट ऑलरेडी अपना हैंड डिप करके रखे हुए हैं, तो सेकेंड हम यूज़ करेंगे ब्रश। कम्युनिकेशन साथ साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेशेंट के में प्रोसीजर कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेकेंड हम अपना स्टेप रहेगा कि हम पहले देखेंगे अगर पेशेंट के नेल्स सॉइल्ड हैं तो हम नेल ब्रश का यूज़ करेंगे। नेल ब्रश का यूज़ करेंगे आप टू क्लीन दी सॉइल्ड नेल्स। नेल ब्रश के यूज़ के बाद आप गॉस पीस लेंगे एंड नेल कटर। गॉस पीस को हमको क्या करना है, नेल्स के नीचे रखना है, और नेल कटिंग के 3 स्ट्रोक्स होते हैं। 3 स्ट्रोक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 साइड कट करेंगे आप, फिर आप कट करेंगे मिडिल पोर्शन एंड देन इनर साइड। अब जैसे कि नेल्स कट हो गए हैं आपको क्या करना है, गॉस पीस को क्लोज करना है, और आपको जैसे कि ये वेट है तो आपको इसको रखना है किडनी ट्रे में और नेल कटर को प्लेस कर देना है। ऐसे ही आप सारे फिंगर्स के लिए एक एक गॉस पीस यूज़ करेंगे। अब जैसे कि हमारा नेल केयर का प्रोसीजर भी हुआ है, आपको सारे फिंगर्स के लिए सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। साथ में ही आपको सिर्फ एक गॉस पीस यूज़ नहीं करना है सारे फिंगर्स के लिए, आपको पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट फिंगर के लिए डिफरेंट डिफरेंट गॉस पीस आप यूज़ करेंगे। इन केस अगर पेशेंट के नेल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो उसको कट करने के लिए आपको सीजर का यूज़ करना है, और इन केस अगर आपके पास बाउल विथ ल्यूकवॉर्म वाटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक वेट कॉटन स्वैब ले सकते हैं। इसको क्या करेंगे, हम पेशेंट के नेल में प्लेस करेंगे। अब जैसे कि पेशेंट के नेल में प्लेस हो जाता है, इसको हम थोड़ा टाइम देंगे ताकि पेशेंट के जो नेल है वो सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हमको ये रिमूव करना है, फिर से सेम प्रोसीजर और सेम स्टेप्स फॉलो होगा। उसके बाद क्या करना है, हमको प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद हमको पेशेंट के हैंड को ड्राई करना है। पेशेंट के हैंड को ड्राई करने के बाद हम पेशेंट को ल्यूब्रिकेशन के लिए बॉडी लोशन या इमोलियंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर वो खुद से लगा सकते हैं तो, या तो फिर आप अपने से भी लगा सकते हैं। तो अगर पेशेंट को हम प्रोवाइड किए ल्यूब्रिकेटिंग जेली, अब क्या करेगा पेशेंट उसको लगा लिया, और उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोसीजर जो है वो ओवर होता है। उसके बाद हमको क्या करना है, आर्टिकल्स को रिप्लेस कर। जैसे ही आपका प्रोसीजर एंड होता है, ख़त्म हो जाता है, आपको सारे आर्टिकल्स को रिप्लेस करना है उसके पर्टिकुलर जगह में। उसके बाद आपको आर्टिकल्स को पहले किसी सॉल्यूशन के हेल्प से डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्ट करने के बाद आप उसको ऑटोक्लेविंग के लिए या स्टरलाइजेशन के लिए दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी प्रोसीजर आप किए हैं उसको रिकॉर्ड करना है रजिस्टर में, उसका टाइमिंग रिकॉर्ड करना है, आपने कौन सा प्रोसीजर किया है ये रिकॉर्ड करना है, और कौन से पेशेंट पे प्रोसीजर किया है ये चीज़ आपको रिकॉर्ड करना है। दैट्स इट, थैंक यू।